हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन टू माई न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं जिस खूबसूरत तोते के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये है रेड लॉरी, जिसका साइंटिफिक नेम EOS बॉर्निया है और यह दुनिया का दूसरा मशहूर लॉरीकेट है। आज मैं इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसमें शामिल है इनका मकामी इलाका, इनकी ज़ाहरी शक्लो सूरत, नर और मादा का फ़र्क, कि हम किस तरह इनमें फ़र्क कर सकते हैं, इनका रहन सहन, अफसाइश नस्ल के ब्रीडिंग एज जो है वो कौन सी है और कितना वक़्त लगता है इनको ब्रीडिंग के लिए, पिंजरे का साइज़ क्या होना चाहिए, एक पेयर के लिए कितने पिंजरे का साइज़ जो है वो रिक्वायर होता है, कौन सी खुराक जो है ये खाना पसंद करते हैं, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इनकी सेहत के मसाइल और मैं बताऊँगी आपको इनकी तबई उम्र। तो अगर आप ये सब इस खूबसूरत तोते के बारे में जानना चाहते हैं तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हम बिना मज़ीद वक्त ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड लॉरी के मकामी इलाका की, तो ये इंडोनेशिया के जजीरा मोलोकस के निशेबी इलाकों के बरानी जंगलात में पाया जाने वाला दरमियाने साइज़ का लॉरी है। इसकी लंबाई 11 से 12 इंच और औसतन वज़न 175 ग्राम होता है। ज़ाहरी शक्लो सूरत की बात करें तो ज़्यादातर परों की रंगत सुरख होती है, कमर और विंग्स के परों में स्याह और ब्लू रंग भी शामिल होते हैं, चोंच जर्द और टांगे ग्रे होती हैं, आँखों का रंग ब्राउन होता है, धूम के परों की रंगत सुर्खी माइल ब्राउन और धूम के जेरे पर ब्लू होते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर फलों के पोलन्स और नेक्टर्स खाते हैं तो ऐसी खुराक हासिल करने के लिए इनकी ज़ुबान ब्रशनुमा होती है। बहुत ज़्यादा चुस्त और एक्टिव बर्ड है, बहुत शोर मचाते हैं और अमूमन छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रहते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में जोड़ों की सूरत में रहते हैं। शोख रंग होने की वजह से दुनिया भर के बर्ड्स लवर में बहुत ज़्यादा मकबूल है। रेड लॉरी के मेल और फीमेल में सेक्शुअल डिमॉर्फिज्म की कमी होती है, यानी वो देखने में एक जैसे नज़र आते हैं, इसलिए कोई भी इनको सिर्फ देखकर इनकी जन्स का अंदाज़ा नहीं कर सकता। नर और मादा दोनों के परों की रंगत एक जैसी होती है तो इनमें जन्स का पता करने के लिए DNA टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करें कि बतौर पालतू परिंदा रेड लॉरी कैसा जानवर है, पिंजरे में इसका बिहेवियर कैसा होता है, तो ये शरारती परिंदे इंतहाई ज़हीन और एक्टिव बर्ड्स हैं। ये खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं लेकिन एक ही खिलौने से खेलकर बोर हो जाते हैं। रेड लॉरी बहुत अच्छा पालतू परिंदा है लेकिन बहुत ज़्यादा देखभाल के बाद। लॉरीज खुश मिजाज परिंदे हैं, ये अपने मालकान को खेलों से तफरीह फ्राहम करते हैं। लॉरी चट्टे परिंदे हैं, यानी ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, शोर मचाते हैं और पिंजरे में खिलौने एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकते हैं। रेड लॉरीज को ज़बरदस्त बात करने वाले तोतों के तौर पर भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर चलाने और सीटियाँ बजाने में मगन रहते हैं। सुबह और शाम के वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ये भी दूसरे बहुत से परिंदों की तरह नहाना पसंद करते हैं, तो आप केज में इनको नहाने के लिए बर्तन जो है वो लाजमी प्रोवाइड कर दें। खिलौनों को डिसइंफेक्ट और पिंजरे को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इन्फेक्शियस डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनके अफजाइश नस्ल के बारे में, तो रेड लॉरी तकरीबन 10 से 12 माह में जवान होते हैं। ब्रीडिंग सीज़न मार्च से जुलाई तक का होता है। मादा 2 से 3 अंडे देती है। इनके इनक्यूबेशन का दौरान 26 से 28 दिन का होता है।
ब्रीडिंग सीजन में नर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और इस दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ये अपनी देखभाल करने वाले को या खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। घोंसले में बच्चों की मौजूदगी में भी इनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इस दौरान बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की वजह से ये अपने बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 12 माह की उम्र में बच्चे घोंसले से बाहर आ जाते हैं। अब अगर इनके लिए केज साइज की बात करें तो ब्रीडिंग के लिए रखे गए जोड़े के लिए बर्ड रूम की पैमाइश 6x4 फीट और ऊंचाई 7 फीट होनी चाहिए। बर्ड रूम से मुलहक्का फ्लाइंग पिन की पैमाइश 8x6 फीट होनी चाहिए। नेस्ट बॉक्स की पैमाइश 10x10 इंच और ऊंचाई 14 इंच होनी चाहिए। शदीद सर्द और गर्म तेज़ हवाएँ और खुश्क मौसम इनकी सेहत और अफजाइश नस्ल के लिए ख़तरनाक होता है। नहाने के लिए शॉवर या कोई और मुतबादिल इंतज़ाम होना चाहिए। बहुत जल्द बोरियत महसूस करने लग जाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए पिंजरे में मुख्तलिफ खिलौनों की मौजूदगी इन्हें बोरियत से महफूज रखती है। अब अगर ख़ुराक की बात की जाए कि कौन सी खुराक इनकी सेहत के लिए अच्छी है, क्या खाना ये पसंद करते हैं, तो रेड लॉरी फूलों और फलों के पोलन्स और नेक्टर्स इनकी खुराक का अहम जुज़ो होते हैं, अहम हिस्सा होते हैं। सेब, अनार, अंगूर, किन्नू, गाजर, मटर और मकई की छलियाँ इनके लिए बेहतरीन खुराक होती है। ऐसे फल या सब्जियाँ जिनमें फौलाद की मकदार ज़्यादा हो वो इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। मशरूम्स, नाशपाती, लोकार्ट, खोबानी, पालक और रोस्टर शेल का मुसलसल इस्तेमाल इनके लिए ख़तरनाक होता है। इनको जो भी फल या सब्जियां दिए जाएं वो अच्छे से धोकर इस्तेमाल की जानी चाहिए और ख़ुराक उम्दा और आला क्वालिटी की होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें सेहत के मसाइल के बारे में, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कि कौन से हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो इनके साथ हो सकते हैं, तो चूँकि ये ज़्यादातर फल वगैरह खाना पसंद करते हैं इसलिए इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा खुराक की खराबी की वजह से होता है। तो इनके लिए रखा जाने वाला खाना तब्दील करने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर गर्म मौसम में, क्योंकि इस मौसम में फल चंद घंटों में ख़राब हो जाते हैं। ये फल परिंदे के लिए इन्फेक्शन और बाद दफ़ा जहर ही साबित होते हैं। लोरी 20 से 30 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही साथ लोरीज में हीमोक्रोमेटोसिस और आयरन स्टोरेज जैसे इश्यूज भी हो सकते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से, जिस्म के टिश्यूज़ में आयरन जमा हो जाता है और ऐसा इनकी खुराक की खराबी की वजह से होता है। तो जैसे आपको बताया कि इनकी खुराक को तब्दील करने की ज़रूरत होती है थोड़े टाइम के बाद। चूँकि रेड लॉरी बहुत ज़्यादा एक्टिव बर्ड है, ये बहुत ज़्यादा चहचहाते और बोलना पसंद करते हैं, तो अगर ये उदास बैठा है, चुप बैठा है, तो आप समझ जाएं कि इसके साथ कोई मसला है। इसकी बीमारी की अलामत में इसका एक्टिव ना होना ही शामिल है। अगर आपका परिंदा बीमार है तो बीमारी में परिंदे को दूसरे परिंदों से अलग करें और इसको दुआ के साथ साथ ज़्यादा देखभाल और ख़ुराक की ज़रूरत होती है, तो इसे बेहतर से बेहतर खुराक प्रोवाइड करें ताकि ये सेहतयाब हो सके। सो व्यूवर्स, ये थे रेड लॉरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल बंगाल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।